हेलो स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को पढ़ाऊंगी। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया था। अगर उसमें कोई भी किसी को भी परेशानी होती है तो मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको मैं सॉल्व कर दूंगी, या फिर हमारे स्कूल के ग्रुप में उसको लिख सकता है जिसे मैं उसको सॉल्व करूँ। अगर हम बात करें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट वो पार्ट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। अभी क्या होते हैं ये मैं फर्दर आपको बताऊँगी, उनका स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट। बट ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें प्रोड्यूस, किसमें होते हैं, किसमें ये प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा प्लांट का जो फ्लावर होता है वो किसी भी रिप्रोडक्शन की बेसिक यूनिट होता है। मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये जो हमारा फ्लावर होता है ये बेसिक यूनिट होता है हमारे रिप्रोडक्शन का। फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, स्टेम भी बोल सकते हैं, शूट भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड शूट होता है जिसके अंदर इसके स्टेराइल पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेराइल पार्ट जो होते हैं वो होते हैं इसके पेडिकल, थैलेमस, सेपल, पेटल, ये इसके क्या होते हैं स्टेराइल पार्ट होते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है हमारा एंथर और फिलामेंट जिसको हम स्टैमिन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है स्टिग्मास्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और तीनों को मिला के बनता है कार्पल। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर आती है हमारी मेल गैमेटोफाइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो कि इसके इस चैप्टर के डेवलपमेंट में और स्ट्रक्चर में यूज़ होंगी। अगर हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे पहले तो फिर इस चैप्टर को आगे पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। तो पहले हम इसको, इसकी जो बेसिक टर्मोलॉजीज हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए इस चैप्टर को पढ़ने। तो मैंने बात की थी बेसिक टर्मोलॉजीज की। जैसा हम देख रहे हैं मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे तीन टर्मोलॉजीज को बता रखा है। पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमें इनके नाम इजीली लेने के लिए, हम इनको ये बड़े नाम होते हैं तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको इजीली फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। माइक्रोस्पोरो, स्पोरो मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि स्पोर, स्पोर्स का प्रोडक्शन, बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स का प्रोडक्शन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, जो हमारे एंथरलोब्स के अंदर पोलन सैक होते हैं उनके अंदर स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने कल बताया था मेल गैमेट को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात आती है सेकंड माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंजियोस्पर्म में होता है, जिसे हम स्टैमेन बोलते हैं, उसी को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एंथर में जो पोलन सैक होता है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इनके ये साइंटिफिक टर्मोलॉजीज हैं, आपको किसी में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब मैं आपको पढ़ाऊँ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया
क्या है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे नाम लगते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ वेरी स्मॉल स्पोर्स इन दी स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ द एंथरलोप्स। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच इज स्टैमिन विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इट इज द अनदर नेम ऑफ स्टैमिन। एंड नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज एंथरलोप। देयर इज पोलन सैक इन एंथरलोप, उसके अंदर एक पोलन सैक होती है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। तो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा दिया था, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ये कनेक्टिव जो है मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, कनेक्टिव होता क्या है, दोनों एंथर लोब्स को जो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। दोनों एंथर लोब्स यानी बायलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का, उसमें जो लोब्स होते हैं दोनों लोब्स, ये वन लोब हुआ, ये इसका सेकेंड लोब हुआ, इन दोनों लोब्स को जो जोड़ने वाली टिश्यू होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं हम कनेक्टिव, इन दोनों लोब्स को जोड़ने वाली को। तो इसके मेल गैमेटोफाइट के 3 पार्ट्स हुए, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब जो हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो ये हमारा एंथर लोब्स हुए, क्या हुए, एंथर लोब्स। एंथर लोब्स जैसे मैंने बताया था कि ये बाइलोब्ड होते हैं, दोनों लोब्स के अंदर टू चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, टू, यानी टोटल कितने चैम्बर हुए, 4 चैम्बर हुए। 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें ये रहे 1, 2, 3 और ये 4। इन तीनों, ये जो चारों हैं, इन चारों चैम्बर्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक एंथर लोब का है। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शन, तो आप इसमें देख रहे हो कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये 4 लेयर, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट जो लेयर होती है इसकी, इसको हम क्लियर अगर विजुअलाइज करें, इसका ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, इसको जिसको हम क्लियरली देखेंगे इस पर। इसकी अपर लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे होती है एंडोथीशियम। इनके नामों को अच्छे से याद रखना बेटा। अपर लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे जो होती है वो होती है एंडोथीशियम, उसके जस्ट बीच में जो एक थिन पार्ट होता है बट कई लेयर्स का होता है वो होता है मिडिल लेयर। उसके बाद जस्ट उस मिडिल लेयर के बाद में आता है हमारा टैप्टम, जो कि हमारे पोलन ग्रेन्स को यानी पोलन सैक को नरिश करने का काम करता है। और ये जो बीच में आप जो पार्ट देख रहे हैं ये होता है माइक्रोस्पोरो मदर सेल, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्पोर्स इन दी पोलन सैक, तो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। ये एक क्या हुआ, हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर हुआ किसका, पोलन ग्रेन का, या फिर बोल सकते हैं हम एंथर का, और या फिर हम बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट का ये एक क्रॉस सेक्शन व्यू है, जिसमें हमने ये 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखा, जिसके इंटरनल पार्ट्स को भी हमने स्टडी किया। तो अब मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टैप्टम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको आपको क्लियरली डिफाइन करूंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले एंथर का बायलोब्ड स्ट्रक्चर देखा था, उसके हमने 4 चैम्बर्ड देखे थे। उन 4 चैम्बर्ड में डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर,
जिसे हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं जिसे हम? आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल डेंस साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है एंथर लोब्स के अंदर। इस आर्किस्पोरियल पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी पेरिएटल सेल, जिसे हम बोलते हैं पोलन सैक। प्राइमरी और सेकंड होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसे हम जो कि होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट होता है प्राइमरी पेरिएटल सेल जो कि पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है। इनर होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन इनकी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से होता है। पोलन सैक, जैसा हमें पता है पोलन सैक क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होती हैं। वो इनर पार्ट जो होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल पार्ट कहलाता है। अब जो पोलन ग्रेन, ये जो हमारा एंथर होता है, इसके अंदर पोलन सैक प्रेजेंट होता है। ये पोलन सैक जो होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है हमारा एंथर वॉल और सेकंड होता है हमारा स्पोरोजिनस सेल। पहला क्या होता है? एंथर वॉल, और दूसरा होता है स्पोरोजिनस सेल। एंथर वॉल की मैंने बताई थी, एंथर अभी जब मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया था आपको मेल गैमेटोफाइट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसकी जो जो चारों लेयर होती हैं वो एंथर वॉल के अंदर आती हैं। पहली आती है हमारी एपिडर्मिस, दूसरी आती है एंडोथीशियम, तीसरी आती है मिडिल लेयर, फोर्थ आती है हमारी टैप्टम। तो ये जो चारों पार्ट होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? हमारे एंथर वॉल के अंदर। और जो मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो प्रोड्यूस हो रही थी वो होती है हमारे स्पोरोजिनस सेल पार्ट के अंदर। तो ये हमारे ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? पोलन सैक के। अब मैं इनके जो चारों पार्ट होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, इसको क्लियर डिफाइन करूँगी कि ये चारों लेयर होती क्या हैं। जैसा मैंने बताया था पोलन सैक के दो पार्ट होते हैं, एंथर वॉल और स्पोरोजिनस सेल। तो एंथर वॉल के अंदर मैंने बताया था कि फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर वॉल। एंथर वॉल का से ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो एंथर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कौन कौन सी लेयर से बनी हुई होती है। वो जो है पहली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होता है? उस एंथर वॉल को प्रोटेक्ट करने का, यानी कि आउटर लेयर को प्रोटेक्शन का जो काम करती है वो होती है एपिडर्मिस। सेकंड पार्ट होता है हमारा एंडोथीशियम, ये एक थिक लेयर होती है जो कि जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है किसके? एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होने से इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ये थिक लेयर होती है। इस थिक लेयर के अंदर जो अल्फा सेलुलर्स होते हैं वो एक थिन स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर में, वी शेप्ड में, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही ड्राई कंडीशन इनको मिलती है ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद जो इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर आके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है। ये मिडिल लेयर जस्ट बिलो एंडोथीशियम के प्रेजेंट होती है। उसके जस्ट नीचे होती है टैप्टम। टैप्टम जो होती है वो जो पोलन सैक होता है उसके सराउंडिंग में होती है। ये उस पोलन सैक को नरिशमेंट देने का काम करती है। अगर इसके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है तो ये उसको नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाती है। अब ये जो स्टेरिलिटी होती है वो आती किस वजह से है? जब इस टैप्टम लेयर का डीजेनरेशन हो जाता है तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती है।
तो ये जो चारों लेयर होती हैं, ये एंथर वॉल की फोर लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको बताया था। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीशियन, थर्ड होती है मिडल लेयर, फोर्थ होती है टेप्टम। इसके बाद मैंने बात की थी स्पोरोजिनस सेल। अब ये स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है? स्पोरोजिनस सेल के अंदर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस कंडीशन में वो डाइसेंस करते हैं और फिर वो बाहर आके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ये तो हुआ एक मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब उसके कई माइक्रोस्पोरोजिनस, मैंने एक आपको टर्मोलॉजी बताई थी, माइक्रोस्पोरोजिनस यानी कि स्मॉल स्पोर्स का जब प्रोडक्शन होता है एंथालोप्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस। वो कई शेप्स में हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, टी शेप्ड हो सकता है। तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी कि माइक्रोस्पोरोजिनस किस तरीके से कितने कितने शेप्स में हो सकता है। तो मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजिनस जेनेसिस क्या होता है। ये प्रोसेस होती है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर्स क्या हुए? पोलन ग्रेन्स। अब इन पोलन ग्रेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या इनके शेप होते हैं, किस तरीके से ये डिवाइड करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन होता है, वो फिर माइटोटिकली डिवाइड होके एक हैप्लॉयड टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हम जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होती हैं, ये टेट्राड स्ट्रक्चर में होती हैं। टेट्राड स्ट्रक्चर के भी टाइप हैं। सबसे पहले टेट्राहेड्रल शेप में होता है ये, फिर आइसोबाइलेट्रल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड और फिर लीनियर। ये जो टेट्राहेड्रल शेप आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो थ्री लोब्स होते हैं वो तो डोमिनेंटली आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, बट जो इसका थर्ड फोर्थ जो लोब होता है वो पीछे की साइड में, बैक साइड में क्या रहता है, कवर्ड रहता है। आइसोबाइलेट्रल में क्या होता है, इसके चारों के चारों जो लोब्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं और एक सिमेट्रिकली अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो, मतलब बराबर। बराबर क्या है, हमें चारों पार्ट जो हैं, चारों लोब्स जो हैं वो दिखेंगे। तीसरा हमारा आता है डेक्यूसेट। इसमें जो अपर टू लोब्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल में डिवाइड रहते हैं और जो इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो उसके जस्ट नीचे होता है, इसे बोलते हैं डेक्यूसेट। ये जो टी शेप्ड आप देख रहे हो, ये भी ये टेट्राड का एक शेप होता है माइक्रोस्पोर का, जो कि एक इस तरीके से इसके जो लोब्स हैं वो डिवाइड रहते हैं कि वो एक टी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसमें दो राइट एंगल फॉर्म करते हैं और दो उसके नीचे होते हैं। तीसरा है लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में, एक अलाइनमेंट में टेट्राड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। टेट्राड के जो लोब्स होते हैं वो एक लीनियर शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल्स बनते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और वो हैप्लॉयड सेल टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। वो ये पांचों जो शेप दे रखी हैं, टेट्राड, आइसोबाइलेट्रल, डेक्यूसेट, टी शेप, लीनियर, ये तीनों चारों पांचों शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ मैंने मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब मैं अगले वीडियो में इस मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को बताऊंगी। स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है जो जो मैंने इसमें बताया है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं उसका जो भी होगा उसको क्लियर करूंगी। थैंक यू।